हेलो फ्रेंड्स, मैं जसमीन आरा स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आपके अपने ही यूट्यूब चैनल फिट एंड फाइन पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि प्रेगनेंसी के पहली तिमाही में सेक्स करने से जुड़ी बातें। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही जानकारी वाली बात बता रही हूँ। सो फ्रेंड्स, इसलिए आप वीडियो को कहीं से भी बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो को शुरू से लास्ट तक बिना स्किप किए जरूर देखना। और फ्रेंड्स, साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाक से सब्सक्राइब करके बेल आइकन का जो बटन है उसे दबा दीजिए, ताकि फ्रेंड्स हमारी हर एक नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो फिर आइए फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे की जानकारी के बारे में जानते हैं। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी की पहली तिमाही में सेक्स करने के लाभ। फ्रेंड्स, इसकी मदद से आपका फैट कम होता है और फ्रेंड्स आपको फिट रहने में मदद मिलती है। और फ्रेंड्स, आपके प्राइवेट अंगों में खून का बहाव भी बढ़ता है, जिससे फ्रेंड्स आपको आनंद भी आता है। और फ्रेंड्स, साथ ही साथ यह खुश और तनाव रहित रहने में आपकी मदद करता है। और फ्रेंड्स, साथ ही इससे आपके पति के साथ आपका रिश्ता भी मजबूत होता है। फ्रेंड्स, यह आपका तन मन शांत करके प्रेगनेंसी के दर्द व परेशानी से राहत पाने में आपकी मदद करता है। और फ्रेंड्स, इससे आपके शरीर में ऑक्सीटोसिन हार्मोन बनता है और आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे कि किन स्थितियों में सेक्स सेफ नहीं माना जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपका पहले गर्भपात हो चुका है तो फ्रेंड्स ऐसे में आप सेक्स ना करें। और फ्रेंड्स, अगर सेक्स के बाद आपकी योनि से खून या बदबूदार तरल निकल रहा है तो फ्रेंड्स ऐसे में भी आप सेक्स ना करें। और फ्रेंड्स, सेक्स के बाद अगर आपको पेट दर्द या गर्भाशय में संकुचन हो रहा है तो फ्रेंड्स ऐसे में भी आप सेक्स ना करें। फ्रेंड्स, अगर आपकी बच्चेदानी का मुंह कमजोर है या प्लेसेंटा बच्चेदानी के मुंह पर है तो फ्रेंड्स ऐसे में भी आप सेक्स ना करें। फ्रेंड्स, अगर आप उल्टी जैसा महसूस कर रही है या फिर फ्रेंड्स आप थकान जैसा महसूस कर रही है तो फ्रेंड्स ऐसे में आप सेक्स ना करें। और फ्रेंड्स, अगर आपके पेट में एक से ज्यादा बच्चे हैं तो भी फ्रेंड्स आप सेक्स ना करें। और फ्रेंड्स, अगर आपको अनियमित रूप से ब्लीडिंग हो रही है तो भी फ्रेंड्स आप सेक्स ना करें। फ्रेंड्स, अगर आपके हस्बैंड को यौन संक्रामक रोग है तो फ्रेंड्स ऐसे में आप सेक्स ना करें। फ्रेंड्स, अब मैं कुछ खास बातें बताने जा रही हूँ आपको। फ्रेंड्स, मौखिक सेक्स करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन फ्रेंड्स अपने पति को योनि में फूंक मारने से रोकें, क्योंकि फ्रेंड्स इससे आपकी नस ब्लॉक हो सकती है। फ्रेंड्स, अगर सेक्स के बाद आपको ब्लीडिंग हो तो फ्रेंड्स आप तुरंत ही डॉक्टर की सलाह लें। फ्रेंड्स, आपका बच्चा गर्भ में पानी की थैली में बिल्कुल ही सुरक्षित रहता है। फ्रेंड्स, आमतौर पर सेक्स करने से आपके गर्भ में पल रहे बेबी को कोई भी नुकसान नहीं होता है। फ्रेंड्स, हार्मोनों में बदलाव की वजह से आपकी सेक्स करने की इच्छा घट सकती है, यह एकदम सामान्य है। और फ्रेंड्स, एक बात और कि अगर आपको बच्चे को चोट लगने या गर्भपात का डर सताए तो फ्रेंड्स इस बारे में आप डॉक्टर से बात करें और डॉक्टर की सलाह से एकदम सेफ सेक्स करें। बट फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आप सेक्स के अलावा भी अन्य तरीकों से भी एक दूसरे को प्यार जता सकते हो। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको हमारी ये आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। सो फ्रेंड्स, जल्दी मिलेंगे ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वाली एक और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया।